तो नक्सली हमले में घायल हुए जवानों को तत्काल रायपुर और जगदलपुर ले जाया गया। घायल जवानों से न्यूज 18 ने बातचीत भी की। इस वक्त घायल जवान मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल ओम प्रकाश। राहुल ओम प्रकाश। कैसे घटना हुई थी? आप कैंप के गश्त पे निकले थे? नहीं सर, वहाँ कैंप एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है ना सर, टेकलगुड़े में, वहाँ गए थे कॉर्डन लगाने के लिए, तब वो थे। तो फिर नक्सली एम्बुश था कुछ? ये तो सर वहाँ जाने के बाद वो हुआ सर, फायर, गोलीबारी। हाँ, बीजेल और स्नाइपर शॉट फायरिंग, अंधाधुंध। तो नक्सलियों को भी नुकसान हुआ होगा? हाँ सर, 100% हुआ है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था वहाँ पे लोग हैं? ऐसा तो हमें लग रहा था सर, क्योंकि वो एरिया बहुत डेंजर एरिया है ना, तो हमें पहले से आइडिया था कि कुछ तो हो सकता है, पर इतना होगा ये मतलब बहुत ज्यादा संख्या में रहे होंगे लोग सर, बहुत, क्योंकि भारी तरह से फायर आ रहा था उधर से। तो ये घायल जवान हैं जो कि यहाँ पर इलाज इस वक्त इनका फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। एक और जवान है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश शर्मा सर। क्या हुआ था, आप लोग जब कैंप में निकले थे कैसे मुठभेड़ हुई, क्या हुआ? सर कॉर्डन में थे सर, हम फायरिंग हुई थी सर। कैसे, क्या, कितने फायर का जवाब? हमने फायर से दिया सर, उनकी भी कैजुअलिटी हुई होगी सर जी, बस वही सर। क्या बहुत ज्यादा नक्सली थे? हाँ ज्यादा ही थे सर, काफी टाइम तक 3-4 घंटे तक चलता रहा सर। तो आप लोग कितने लोग थे, क्या उनको, आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि वहाँ और कितने लोग हो सकते? सर अंदाजा तो सर फायर जहाँ से आ रहा था वही का होता है, बस पहाड़ी थी थोड़ी सी, छोटी सी टेकरी थी, गाँव था, गाँव पे तो हम फायर कर नहीं सकते ज्यादा था, पर उसी पहाड़ी के एरिया में कर रहे थे, अब वो गाँव के पीछे से भी फायर कर रहे थे। एम्बुश लगा के पहले से बैठे? हाँ एम्बुश ही बोल सकते हैं सर, एम्बुश था सर। क्या नाम है आपका? अविनाश शर्मा सर। कहाँ के हैं आप? जम्मू से। तो ये जवान थे जो कि घायल थे और इनका इलाज फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल 8 जवान घायल हैं और रायपुर में इनको एयरलिफ्ट करके लाए गए हैं। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर सुकमा में मुठभेड़ के बाद दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की बनाई एक सुरंग मिली है। इसके अलावा नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में लगाए गए स्पाइक और आईईडी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा रास्ते में कुकर बम भी लगाया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। वापसी के दौरान दंतेवाड़ा की टीम ने 3 नक्सल स्मारकों को ध्वस्त कर दिया, नक्सल डेरों को ध्वस्त कर दिया। बड़ी खबर रायपुर से, जहां धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है, अब 4 फरवरी तक जो है धान खरीदी हो सकेगी। सीएम साय ने इस बात के संकेत दे दिए थे और अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, बंपर धान खरीदी के बाद भी अवधि बढ़ा दी गई है, शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी होगी। किसानों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, धान खरीदी 4 फरवरी तक। और भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारी चयन मंडल ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 7